कोमा में चला गया था, इसके ब्रेन में चोट लगी थी। डॉक्टर ने बोला था कि 10% चांस है इसके बचने के। डॉक्टर ने बोला था कि डैमेज हो चुकी है, ये आंख कभी नहीं खुलेगी। जब भी मैं पूछती थी कि डॉक्टर कैसी है कंडीशन, तो वो यही बोलते थे कि ये ऐसा बच्चा क्या करेंगे, ये पूरी तरह पागल है। मास्टर जी आए, जब उन्होंने बोला कि डेथ की स्पिरिट को कैंसिल करता हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही उन्होंने बोले हैं। और मुझे जब यहाँ से गई तब मैं खुशी से गई, ने इसको पूरी तरह से चंगा कर दिया। ब्रदर क्या नाम है आपका? सैमसन। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। इनकी मदर को माइक देना। सिस्टर आप बताइए, जब जनवरी 2017 में आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर इसका एक्सीडेंट 2011 में हुआ था, और ये कोमा में चला गया था, इसके ब्रेन में चोट लगी थी, ब्रेन इंजरी हुई थी। कैसे इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये सुबह स्कूल गया था, प्लस टू में पढ़ता है, और सुबह स्कूल गया और इस ये भी बाइक पर था, सामने से भी बाइक आ रही थी और ये बाइक के साथ टकरा गया और इसके ब्रेन में चोट लग गई। और जब आप इसे डॉक्टर के पास उठाकर लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया डॉक्टर ने? यहाँ गुरदासपुर में जब लेके गए थे तो उन्होंने तो जवाब दे दिया, उन्होंने बोला कहीं और ले जाओ, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो अमृतसर लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला था कि 10% चांस है इसके बचने के, 90% कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, दिमाग के अंदर चोट लगी है। जी जी जी। और दिमाग में ब्लीडिंग होने की वजह से क्लॉट्स बन चुके हैं। हाँ, क्लॉट बन गए और दिमाग की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी थी। जी। और जो इसकी लेफ्ट आंख थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जी जी जी। डॉक्टर ने बोला था कि डैमेज हो चुकी है, ये आंख कभी नहीं खुलेगी। और उसके बाद आपका बेटा कोमा में चला गया। जी। कैसे डॉक्टर फिर इनको कैसे खाना खिलाते, कैसे इसकी केयर करते थे, आप बताइए। ब्रदर कुछ दिन तो ये वेंटिलेटर पर रहा, तो उसके बाद थोड़ी इसकी कंडीशन ठीक हुई तो रूम में उन्होंने शिफ्ट किया। तो हम मतलब पाइप डाली थी एक नाक में, जैसे वो फीड पाइप डालते हैं, उससे लिक्विड देते थे। गले में सांस के लिए एक ट्रिकियोस्टमी नाम की पाइप होती है, वो डालते हैं, वो डाली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये ज़रूरी है, इसको नहीं पता चलेगा कि मेरे गले में क्या मतलब कुछ सिक्रीशन वगैरह, जैसे हम घूमते फिरते हैं तो हमारा तो थूक चला जाता ना अंदर, तो इसको तो कुछ नहीं पता चलेगा, इसकी सांस बंद हो सकती है, क्योंकि दिमाग में चोट लगने के कारण दिमाग के अंदर जो ब्लड के क्लॉट्स बन चुके थे। जी। उसके कारण आपका बेटा कोमा में चला गया। जी जी जी। कैसे हालत थी इसकी कोमा में जब था? जी ब्रदर बहुत कंडीशन खराब थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और कुछ भी डॉक्टर मतलब यही, जब भी मैं पूछती थी कि डॉक्टर कैसी है कंडीशन, तो वो यही बोलते थे कि खुदा पर भरोसा रखो, प्रेयर करो, ऐसे जो पेशेंट होते हैं ये मिरेकल ही होता है, कोई हम कोई गारंटी नहीं देते इसकी। तो डॉक्टर ने बोला इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये जी, कब जी। कोमा से बाहर आएंगे। जी। और कोमा में गया व्यक्ति एक तरह से डेड ही होता है, एक तरह से मुर्दा ही होता है वो। जी जी। क्योंकि जी। उसने कोई हिलजुल नहीं करनी, कोई अपने आप खाना नहीं खाना, पूरी तरह से एक लाश की तरह होते हैं। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब ये कोमा से बाहर आएगा, महीनों में या सालों में, पता नहीं कितनी उम्र इसकी निकल सकती है, ये कोमा में भी रह सकता है। हाँ ब्रदर, वो तो बोलते थे कि मतलब ऐसी चोट लगी है इसके ब्रेन में कि ये कोमा से बाहर ही नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो ये पूरी तरह पागल है, ये बच्चा ऐसा क्या करेंगे, मतलब मुझे तो नहीं कहते थे, मेरे रिश्तेदारों को बताते थे कि ये ऐसा बच्चा क्या करेंगे, ये पूरी तरह पागल है, और परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि ये ऐसा बोलते थे डॉक्टर आपको आपके बेटे की हालत के बारे में, तो आप क्या सोचते थे, क्या बीती थी आपके ऊपर? बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर पर भरोसा था। मैंने देखा था, यहाँ गवाहियाँ देखी थी कैसे मतलब लोग ठीक होते हैं, और खुदा मतलब इतने बड़े बड़े काम करता है, और मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और मैंने बाइबल में भी पढ़ा है कि कैसे वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो वो विश्वास था मेरे दिल में। और आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। जी। और डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि 100% में से 1% भी मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका बच्चा बचेगा।
जी जी डॉक्टर ने आपको ऐसा बोल दिया था? हाँ, पहले दिन बोला था कि 10% चांस है, लेकिन जब 26 दिन हुए इसको एडमिट हुए तो फिर तो डॉक्टर ने मतलब पूरी तरह उसने बोल दिया कि आप ले जा सकते हैं इसको, मैं कोई गारंटी नहीं देता, इसकी कंडीशन नहीं मतलब कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी इन्फेक्शन पता नहीं कहाँ से आई जा रही, इतनी इन्फेक्शन थी और जनवरी के महीने में इसको इतना बुखार हो जाता कि देखिए पूरा नंगा करके इसको ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते थे और इतना ये मतलब प्रॉब्लम थी कि मैं देख नहीं पाती थी इसको, बहुत तकलीफ थी। और आपने लिखा कि उसके बाद आपको चर्च के बारे में पता लगा। जी, आप चर्च में जब यहाँ पे आए परमेश्वर की हुजूरी में आए, कैसे आपके बेटे ने चंगाई ग्रहण की, कैसे परमेश्वर ने आपके बच्चे को चंगा किया? फिर ये ब्रदर जब 26 दिन हुए तो इसको दोबारा से ले गए आईसीयू में क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस दिन मैं चर्च आई थी यहाँ खामड़ा में ही, तो मैं पूरे रास्ते भी रोती हुई आई, रास्ते में भी सब लोग मुझे देख रहे थे ये इतना क्यों रो रही है लेडी, बस में देख रहे थे। तो यहाँ आकर जब मैं चर्च में आई तो चर्च में भी सब लोग बैठे हुए थे, वर्शिप कर रहे थे, तो मैं बहुत रो रही थी और मतलब पास्टर जी आए तो उन्होंने ये मतलब वचन बोल करने के बाद जब उन्होंने बोला कि डेथ की स्पिरिट को कैंसिल करता हूँ मैं, तो ये वचन मैंने अपने बेटे के लिए रिसीव किए और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ही उन्होंने बोले हैं, मतलब मुझे लगा ही नहीं किसी और को बोले, मुझे तो ऐसा लगे जैसे मुझे ही बोल रहे हैं और मैं इतना खुशी से पागल हो गई ना, मतलब मैं अपना सारा दुख भूल गई और मुझे जब यहाँ से गई तब मैं खुशी से गई, मतलब मुझे मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश थी मैं। और वहाँ जाकर जब सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे आए थे और एक डॉक्टर भी बाहर से बुलाया हुआ था, डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से चंडीगढ़ ले जाओ, तो इसके पापा बोल रहे थे कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है कैसे ले जाएं, तो रास्ते में कुछ हो जाएगा, तो वो डॉक्टर बोले कि अगर आप बोल रहे हो कि कंडीशन है इसकी ख़राब है रास्ते में, यहाँ भी इसका बचाव तो है नहीं है, जिसकी जैसी इसकी कंडीशन है बचना तो यहाँ भी नहीं है, अगर इसकी होगी खुदा के घर में उम्र तो ये कुछ नहीं होगा। तो वही ब्रदर जब मैंने यहाँ से वो मीटिंग अटेंड करके गई एक दिन पहले सुबह, हमने मैंने इसके पापा को बोला कि हम ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसको, मैं कह प्रभु के दास ने ना ऐसा बोल दिया है कि डेथ की स्पिरिट कैंसिल है, तो मैंने वो रिसीव किया और मुझे लगा कि मुझे ही बोला, मेरे बेटे के लिए है ये। और क्या हुआ जब आप उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अपने बेटे के पास वापस गए? तो ब्रदर हमने सुबह ऐसा किया कि एम्बुलेंस मंगवाई और 4-5 बजे ले गए और रास्ते में जाते जाते ही इसका सारा कुछ कंट्रोल हो गया, मतलब जो स्टाफ साथ गया था वो भी हैरान था कि ये मतलब हॉस्पिटल निकालते ही ये सब हो गया, जब यहाँ से गई तब भी इसकी कंडीशन मतलब नॉर्मल हो रही थी। मुझे जाते ही मैं जब आईसीयू में गई स्टाफ को पूछा तो स्टाफ ने बोला कि इसकी मतलब कंडीशन पहले से बेटर है। यहाँ से जब आप प्रार्थना को रिसीव करके गए तो उसी दिन डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपके बेटे की हालत में सुधार होना शुरू हो चुका है। जी, जी। और उसके कितने दिन के बाद आपका बेटा कोमा से बाहर आया? ये ब्रदर जब हम वहाँ ले गए तो जाते पहले जब एडमिट कराया तो डॉक्टर बोल रहे थे आप तो बोल रहे कंडीशन बड़ी खराब है, ये तो पेशेंट नॉर्मल है और ये कोमा की बात है तो ये तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा कोमा से, ये इसके ब्रेन की ऐसी कंडीशन है। तो पर जब हमने वहाँ एडमिट करवा दिया और दूसरे तीसरे दिन इसने पहले अपनी टांग हिलाई, फिर बाजू राइट हिलाई, फिर ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी इसकी मूव करने लगी, तो परमेश्वर ने इसे चंगा कर दिया। और उसके बाद कितने महीने के बाद आपका बेटा कोमा से पूरी तरह से बाहर आ चुका था? ब्रदर तकरीबन 2.5 महीने के बाद ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती गारंटी ये महीनों चलेगा या सालों ही इसको कोमा में रहना पड़ेगा। जी, जी, जी। उस प्रार्थना के बाद आपका बेटा कोमा से बाहर आया, बाहर आ गया, परमेश्वर ने इसको पूरी तरह से चंगा कर दिया। तारीफ करें, पहले अपने हाथों को उठाए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर को माइक देना। अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं, आप बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। यस ब्रदर। हालेलुया बोलिए ऊंची आवाज में। हालेलुया। खुदा की हालेलुया। तारीफ करें जोर से। आप उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं।
जो पूरी तरह से कोमा में रहा, पूरी तरह से कोमा में था, कोई सुध बुध नहीं, पूरी तरह एक डेड बॉडी की तरह ये बिस्तर के ऊपर थे। और इनकी मदर बता रहे कि जब यहाँ से प्रार्थना अटेंड करके ये वापस गए तो सेम डे उसकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। 2.5 महीने के बाद इनका बेटा पूरी तरह से कोमा से बाहर आकर आपके सामने खड़ा है और गवाही के साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर आप बताइए अभी आपकी हालत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आपके जैसे पहले आपकी आंख भी खराब हो चुकी थी, लेफ्ट आंख डॉक्टर ने बोला पूरी तरह से डैमेज है, वो आंख भी बिल्कुल ठीक है? डॉक्टर ने बोला था कि ये ठीक नहीं होगी, ये बंद ही रहेगी, बट अब भी डॉक्टर को चेक करवाया तो ये बोलते कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जो दिमाग की नसें ब्लॉक थी वो भी पूरी तरह से खुल चुकी है। जो दिमाग में जो ब्लीडिंग हो चुकी थी, जो क्लॉट्स बन चुके थे, वो भी पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। वो भी ठीक है, अभी आपको कोई बीमारी नहीं है। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप देख सकते हैं वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो कोमा से निकल के बाहर आया। आप चलिए जरा आप चल के दिखाइए, तारीफ करें खुदा की। और स्ट्रेचर के ऊपर चर्च में लाए थे, कोमा से निकल के व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। जोर से खड़े होकर अपनी जगह पर खड़े होकर जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चुपचाप तुम खड़े रहो, करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया बोल दो जोर से, खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चुपचाप तुम तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बेड से उठा के परमेश्वर ने इनको खड़ा किया, 7 बार हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया, जोर से जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक्स करें, जोर से अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप क्यों क्यों रो क्यों रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप खुशी हो रही है मेरे को कि खुदा ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा कार्य किया। मैं क्या था मेरे को, फिर भी मेरे खुदा ने मेरे को बचाया। मैं पापी था एक्सीडेंट से पहले, खुदा ने मेरे को फिर भी इतना प्यार किया कि मेरे को बचाया। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या बताना चाहते हैं? परमेश्वर सबकी सुनता है। हम पापी थे, बहुत गुनाहगार थे, फिर भी खुदा ने मेरे बच्चे के जीवन में इतना बड़ा काम किया कि मैं सारी जिंदगी भी नहीं भूल सकती जो परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। क्या मैं यही कहूंगा कि मैंने सारे पाप करके देखे हैं, बट जो मजा स्पिरिचुअल लाइफ में ना, वो किसी लाइफ में नहीं है। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, जोर से नाचते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो व्यक्ति कोमा में रहा और जैसे ही इनके मदर यहाँ से प्रार्थना रिसीव करके वापस गए तो उसके बाद इनका बेटा कोमा से बाहर आया, डेथ बेड से उठा, इनके दिमाग की नसें ब्लॉक थी वो खुल चुकी है, जो क्लॉट्स बने थे वो क्लियर हो चुके हैं और इनका बेटा बिल्कुल ठीक है। और उस पूरी तरह से डेड था और परमेश्वर ने एक मुर्दा में जान डाली है। ये बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ी टेस्टमनी है। अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर खुशी को, उसके आनंद को, कि कैसे परमेश्वर ने उनको चंगा किया, उनको जीवित किया, एक नया जीवन दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, सब परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ तारीफ करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।